वेलकम टू माय चैनल्स नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हम बात जो करने वाले हैं वो ट्रिपल सी का जो दिसंबर 2020 का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है, तो आप वो रिजल्ट आप नाइलेट की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे आज हम वही आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, आप गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करिए और वहां पर आप google.com सर्च इंजन में सिंपली आपको लिखना है नाइलेट ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। जैसे ही आप नाइलेट ट्रिपल सी सर्टिफिकेट्स वहां पर टाइप करेंगे तो वहां पर आपके ऑफिशियल साइट स्टूडेंट्स की है कि और नीचे देख सकते हैं हम नाइलेट ई सर्टिफिकेट्स, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको डिजिटल साइन सर्टिफिकेट ऑफ नाइलेट एग्जामिनेशन का वेरीफाई सर्टिफिकेट डिटेल्स में लिखे जाएगा। यहाँ पर रेगुलर सर्टिफिकेट में आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कोर्स फॉर, यहाँ पर कोर्स जो भी ट्रिपल सी का कोर्स है आपका कोर्स कंप्यूटर कम्पसेज, इसको सिलेक्ट कीजिए। तो ईयर अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेगा 2020। उसके बाद आप अपना दिसंबर वाला मंथ, जो भी मंथ है फरवरी से स्टार्ट, यहाँ पर दिसंबर तक के आ गए तो दिसंबर तक का आप डाल दीजिए यहाँ दिसंबर, और यहाँ पर जो भी रोल नंबर आपको मिला था उस रोल नंबर को यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। जैसे आप पूरा रोल नंबर यहाँ टाइप कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में है आपको कि स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। जो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है उसी फॉर्मेट में आपको डालनी है, तो जैसे 15/06/1985 है और आपको कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आप यहां पर डाल दीजिए। जैसे आप कैप्चा डालेंगे उसके बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक करना होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबमिट बटन, इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ओटीपी के लिए आपको ईमेल या आपके मोबाइल पे एसएमएस जाएगा, तो मैं ईमेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आप उसका कैप्चा कोड डालिए जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 3NADU और अपना ईमेल आईडी यहां पर डालिए जिस ईमेल आईडी में आपको अपना ये सर्टिफिकेट लेना है। तो उससे एक वेरिफिकेशन मांगेगा, वो वेरीफाई ओटीपी करना होगा हमें। तो आप क्या करेंगे उसके बाद सेंड मेल करेंगे, तो सेंड मेल में ओटीपी चलेगी, देखिए आप देख सकते हैं। आप अपने ईमेल आईडी को आप ओपन करेंगे, जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी को ओपन करेंगे तो वहां पर ये ओटीपी आ गया होगा, वेरिफिकेशन के लिए आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी मेरी खुली हुई है तो देख सकते हैं स्क्रीन में नॉलेज सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कोड आ गया है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं यहां पर एक कोड जनरेट हो गया 94EDRW, तो मैं यहां पर उस वेरिफिकेशन कोड को टाइप कर दूंगा। एक बार और चेक कर लेते हैं इस कोड को, करेक्ट डाला है मैंने, चलिए ठीक है करेक्ट है ये। उसके बाद आपको सबमिट क्लिक करना होगा, जैसे सबमिट करेंगे तो ये इनवैलिड कैप्चा बोल रहा है, तो आप दोबारा से वो कैप्चा मांग रहा है तो आप उस कैप्चा को स्पेसिफाई दोबारा से कर दें जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है Q8HUN, फिर दोबारा से आप सबमिट कीजिए इसको। देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरा आपका एक ओपन हो गया विंडो, पूरी डिटेल स्टूडेंट्स की आ गई है और साथ में आप देख सकते हैं नीचे कि सारे उसके जो भी लीजेंड्स हैं ग्रेड्स के वो दिखा रहा है और डाउनलोड सर्टिफिकेट बोल रहा है, तो यहां पर आप डाउनलोड सर्टिफिकेट में क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप डाउनलोड सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये आपका डाउनलोड हो गया पीडीएफ फाइल सर्टिफिकेट की, और जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर देखिए आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट का नाइलेट का ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, तो देखिए इस तरह से आपको ये सर्टिफिकेट दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए अभी अगर आप देखेंगे नीचे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क्स कैसे हटेगा, इसमें कैसे वेरिफिकेशन होगा, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।